अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फहद मफसूसी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में लॉकडाउन में नरमी दी जाने वाली है, और ये भी दिखाया जाएगा कि भाई हम मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं और मुसलमानों के रमज़ान का एहतराम करते हुए उन्हें इजाज़त देते हैं कि वो अपने घरों से निकल के रमज़ान की शॉपिंग करें। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ इनकी बातों में नहीं आना, क्योंकि ये वो सरकार है जिन्होंने अपनी कारस्तानियों की, अपने तशद्दुद की वजह से हिंदुस्तान को आज ऐसे मुकाम पर ला खड़ा कर दिया है जहाँ पे हिंदुस्तान को उन 14 मुल्कों की लिस्ट में डाल दिया गया है जहाँ पर मज़हब अकायद की बुनियाद पे अकलियतों पे जुल्म और ज़्यादती और तशद्दुद किया जाता है। और एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक मुल्क के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। और एज अ मुसलमान इस कम्युनल सरकार से तो हम हमदर्दी हरगिज़ नहीं सोच सकते जब तक कि इनका कोई ज़ाती फ़ायदा ना हो। आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि किस तरह से अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए इस निकम्मी सरकार ने दलाल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए तबलीगी जमात को किस तरह से सॉफ्ट टारगेट बनाकर मुसलमानों को का इस्तेमाल किया और कोरोना वायरस को एक कम्युनल शक्ल दे दी कि इन्होंने देर से स्क्रीनिंग की, इन्होंने देर से कोरोना वायरस टेस्ट किए, इन्होंने प्रॉपर PPEs नहीं दे पाए डॉक्टर्स को, इन्होंने लॉकडाउन अनप्लान लॉकडाउन देर से किया, और अनप्लान लॉकडाउन में किस तरह से गरीब मजदूर और रोज़ कमा के खाने वालों को क्या सहूलियत वो देने वाले हैं इसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। और इन जवाबों से बचने के लिए इन्होंने सारे मुद्दे को हिंदू और मुसलमान कर दिया दलाल मीडिया के इस्तेमाल से, और ये काफ़ी हद तक कामयाब रहे, क्योंकि जब भी कभी कोई मुसलमान, गरीब मुसलमान अपना रोज़गार पालने के लिए ठेला लेकर किसी कॉलोनी में जाता फ्रूट्स या तरकारी बेचने के लिए, उसका आई कार्ड पूछा जाता, उसका मज़हब पूछा जाता, और उसे मार पीट कर उसे वहाँ से भगा दिया जाता। तो बहरहाल कहना ये चाहता हूँ कि दोस्तों, ये अपने साथी मकासद या मफाद के बदले बगैर ये कोई यानी नरमी देने वाले नहीं है। और इसके दो कुछ अहम वजह हो सकती है। पहला तो इनके जो बिजनेसमैन दोस्त हैं जिन्होंने रमज़ान की तैयारी में हजारों लाखों करोड़ का माल जो अपने गोडाउनों में लाके रखा हुआ है, ये हम मुसलमानों के जेब से पैसा निकाल के उनके जेब भरना चाहते हैं, वो माल बेचना चाहते हैं ताकि वो उन्हें चंदा दे सके, एक। और दूसरी अहम बात यह है कि मेरे 98% सुनने वालों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि दलाल मीडिया ये न्यूज़ हरगिज़ नहीं दिखाएगी, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ BBC के आर्टिकल को कोट करते हुए आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने चाइना से 1 मिलियन कोरोना वायरस टेस्ट किट्स खरीदे, जिसमें से तकरीबन रियासतों से ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि सिर्फ 5% कोरोना वायरस के टेस्ट किट्स सही काम कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। यानी 95% टेस्ट किट्स सही काम नहीं कर रहे हैं, ख़राब है, जिसके नतीजे में हमें नहीं पता कि हिंदुस्तान में अब तक कितना कोरोना वायरस फैल चुका होगा। और ये सरकार कहती है कि लॉकडाउन की वजह से केसेस अभी थमे हुए हैं, और अब ये लीनियंसी देंगे, ये नरमी देंगे ताकि मुसलमान अपने घरों से निकले, पहले तो इनके बनिए कारोबारियों का फ़ायदा करें, और दूसरी चीज़ फिर उसके बाद इनके दलाल मीडिया के ज़रिए से चिल्ला चिल्ला के ये बोलेंगे कि मुसलमानों को जब नरमी दी गई थी तो मुसलमानों ने इसका गलत इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन किया और इस केसेस को इतने से इतना पहुंचा दिया, जबकि हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में टेस्ट नहीं हो रहे। और इस सारे मामले को मुसलमानों के सर पे इसका भांडा फोड़ने के लिए, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए, हुकूमत की नाकामयाबी को छुपाने के लिए ये एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि जितनी सादगी से आपने रमजान गुजारा है उतनी ही सादगी से अपनी ईद भी गुजारिएगा, और उन्हीं पैसों को अपने आने वाले लॉकडाउन के दिनों में अपने अखराजात के लिए बचाए रखें, या अपने गरीब रिश्तेदार या गरीब पड़ोसियों की मदद कीजिए। इंशाल्लाह इससे आपको ज्यादा रूहानी खुशी होगी और अल्लाह भी आपसे खुश होगा। या याद रखिए कि ये एक पूरी साजिश के तहत आपको नरमी दी जाएगी, क्योंकि इनके 1 मिलियन में से 95% टेस्ट किट्स फेल हो रहे हैं, ख़राब निकल रहे हैं, और ये हुकूमत की नाकामी है, और ये मुसलमानों के ऊपर लादने के लिए ये सारा खेल रचा जाएगा। जय हिंद। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।